सो दिस इज द लेक्चर नंबर टू एन एलिमेंट क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर वन एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इनटू योर क्यूबिक स्ट्रक्चर हूज यूनिट सेल हैज वन एटम ऑन ईच कॉर्नर. And two atoms on its face diagonals. If the volume of the unit cell is (24×10⁻³) meter cube and the density of the element is and the density of the element is 7200 kg per meter cube. Calculate the number of atoms present. Calculate the number of atoms present in 200 gram of the element. An element crystallizes into cubic structure. So the crystal structure is cubic. Unit cell has one atom at each corner and two atoms on its face diagonals. So number of total number of atoms, total number of atoms in a per cubic cell, per cubic total number of atoms per cubic cell, that is 1/8×8 corners plus 1/8 contribution plus 2, that is 3. And now the question is calculate the number of atoms present in 200 gram of the element. So the number of atoms, 3 atoms per unit cell. So we have to calculate the number of unit cells in 200 gram of the element. Volume of the whole material, it is 200 gram into 10 to the power minus 3 upon 72. This is your 2.78 into 10 to the power of minus 5
meter cube. This is the volume of the whole metal, and the volume of one unit cell (24×10⁻³⁰⁰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 ⁰
So your volume of the total metal and volume of the unit cells. So the number of unit cells, number of units cells in 200 gram of metal, 2.78 into 10 to the power of minus 5 divided by 24 into 10 to the power of minus 30. It is equal to 34.75 into 10 की पावर 23, सॉरी इट आई हैव टू कैलकुलेट इट बाय कैलकुलेटर अगेन. सो आई हैव कैलकुलेटेड बट आई एम नॉट श्योर वेदर आई हैव कैलकुलेटेड करेक्टली और ना. सो जस्ट मेक इट मच मोर क्लेरिफिकेशन. व्हाट इज दिस 2.78 डिवाइडेड बाई 24, दैट इज 11.58. यस इट वॉज रॉन्ग. दैट इज 11.10 की पावर 23 यूनिट सेल्स. सो नंबर ऑफ एटम्स विल बी इक्वल टू 11.58 इंटू 10 टू द पावर 23 इंटू 3. 3 जा 2 3 5 जा 7. दिस इज दिस एटम्स. दिस इज योर फाइनल आंसर फ्रेंड्स ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकेंड है. एन एलिमेंट हुज एटॉमिक मास इज 100 हैज ए बी सी सी स्ट्रक्चर इट्स यूनिट सेल पैरामीटर इज 4 एंगस्ट्रॉम. कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट. द डेंसिटी ऑफ द एलिमेंट नंबर वन द नंबर ऑफ यूनिट सेल्स. एंड द नंबर ऑफ एटम्स. एंड द नंबर ऑफ एटम्स इन 10 ग्राम ऑफ द एलिमेंट.
सॉल्यूशन क्या होगा फ्रेंड्स इसका, कैसे प्रोसीड करेंगे इसमें। सो वी हैव टू फाइंड द नंबर डेंसिटी, तो डेंसिटी द फार्मूला होता है नंबर ऑफ इफेक्टिव एटम्स पर यूनिट सेल्स जेड इंटू एम इंटू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई इंटू बी सी सी है ए क्यू। जेड कितना है बी सी सी टू, एम कितना दिया है एटॉमिक मास 100, एन ए 6.022 इंटू 10 to the power of 23 इंटू ए क्यू 464 इंटू 10 to the power of -30। इसका फाइनल आंसर आ जाएगा फ्रेंड्स कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर, यस 5188 केजी पर मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम विल बी रो इनटू, टोटल वॉल्यूम विल बी रो इनटू मास, डेंसिटी इनटू मास, डेंसिटी इज 5188 इनटू द मास 10 ग्राम, 10 into 10 to the power -3, दैट इज टोटल वॉल्यूम इट 51.88 मीटर क्यूब। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, वॉल्यूम विल बी इक्वल टू रो मास डिवाइडेड बाय रो, मास डिवाइडेड बाय रो, सो दिस इज रॉन्ग। टोटल वॉल्यूम विल बी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी, मास इज इक्वल टू 0.1 केजी, डेंसिटी इज योर 5188, दैट इज इक्वल टू 1.92 इंटू 10 to the power of -6 मीटर क्यूब। नंबर ऑफ यूनिट सेल्स इन 10, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स टोटल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स हो जाएगा 1.92 इंटू 10 to the power of -6 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल विल बी 64 इंटू 10 to the power of -30, दैट इज 3 into 10 to the power of 22 यूनिट सेल्स। सो नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स सिंस वन यूनिट सेल कंटेन्स टू एटम्स, सो 3 into 10 to the power of 22 यूनिट सेल विल कंटेन 6 into 10 to the power of 22 एटम्स, दैट विल बी योर आंसर फ्रेंड्स। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर टू, नाउ प्रोसीड इन द क्वेश्चन नंबर थ्री। एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस, एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इंटू एफ सी सी स्ट्रक्चर, विद इट्स यूनिट सेल पैरामीटर
with its unit cell parameter as 2 angstrom calculate its density if 0.2 kg of the element contains 24 into 10 to the power of 23 atoms. FCC with its unit cell parameter 2 angstrom, volume of 1 unit cell, 8 into 10 to the power of minus 30 meter cube. Number of unit cells 24 into 10 to the power 23 atoms and one unit cell contain 2 atom. So number of element 24 into 10 to the power 23 number of unit cells 12 into 10 to the power of 23 unit cells. Volume of unit cell and number of units cells. So you can say that FCC there will be 4 factor of 4. 6 into 10 to the power 23. So volume of the substance kitna hoga? An element crystallized into FCC structure with its unit cell parameter as 2 angstrom. Calculate its density. Density to the formula kitna hota hai? Z into M divided by Na into volume. वॉल्यूम ऑफ द जेड कितना है हमारा एफ सी सी एथ 4 एम एम नहीं पता है एम को ऐसे लिख लिया मॉलिक्यूलर वेट या इस क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं इस फार्मूले को ना लगा के सिंपल जो हमारा मैथमेटिक्स का फंडा है उससे क्लियर कर सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस volume of the substance will be equal to mass 0.2 kg into mass divided by density rho and volume of the number of unit cells this is number of unit cells mass number of unit cells this is volume of substance will be six into 10 to the power of 23 into volume of the number of unit cells into the volume of the one unit cell that is 8 into 10 to the power of minus 30
रोहतपुरा वैल्यू हो जाएगी 0.2 अपान इस पूरे को यहाँ नीचे भेजा, रो को इधर लाया, दिस इज 48 इंटू 10^-7। ये आ गया हमारा 4.17 इंटू 10^4 केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज आवर आंसर। सो दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन द क्रिस्टलोग्राफी, हाउ टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल्स एंड ऑन दीज आर द सम बेसिक क्वेश्चंस। सो इन दिस लेक्चर सीरीज वी प्रोसीड विथ अनदर क्वेश्चन इन इन दिस लेक्चर। द क्वेश्चन इज एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस, इसी के जैसा क्वेश्चन है ये, इनटू एफसीसी स्ट्रक्चर टू जीरो एट ग्राम्स ऑफ द सब्सटेंस कंटेन 4.28 इंटू 10^24 एटम्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इफ इट्स डेंसिटी इज 72 केजी पर मीटर क्यूब। एफ सी सी सोल्यूशन हाउ विल प्रोसीड, एफ सी सी में कितने एटम्स होते हैं पर यूनिट सेल, 4। सो नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स विल बी इक्वल टू 4.28 इंटू 10^24 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज 1.07 इंटू 10^24। सो द वॉल्यूम वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विल बी मास डिवाइडेड बाय डेंसिटी रो। व्हाट इज मास, मास विल बी इक्वल टू 208 ग्राम्स एंड डेंसिटी इज 7200। वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस विल बी इक्वल टू 2.89 इंटू 10^-5 मीटर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ यूएन यूनिट सेल, इतने वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ यूनिट सेल इतने हैं, तो वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल टू पॉइंट एट नाइन इंटू 10^-5 डिवाइडेड बाई 1.07 इंटू 10^24। ये फाइनली कितना आ गया, 27 इंटू 10^-30 नंबर ऑफ यूनिट, नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ वन यूनिट सेल 30 मीटर क्यूब। सो ए क्यूब इज इक्वल टू 27 इंटू 10^-30 एफ सी सी में है,
एफ सी सी का क्यूबिक स्ट्रक्चर ए क्यूब हो जाएगा, ए की वैल्यू हो गई 3 × 10⁻¹⁰ मीटर, मीन्स 3 एंगस्ट्रॉम आंसर। सो इस लेक्चर को यहीं पे से एंड करते हैं। सो फ्रेंड्स, इफ यू फील दैट दीज क्वेश्चंस आर हेल्पफुल टू द पॉइंट ऑफ योर स्टडी, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो तब तक के लिए थैंक यू, बी सेफ, बी हैप्पी। Thank you. Thank you, everyone. Thanks for watching.